सार मेला चौथा। काहे पूत जगरत हो संग बाप, जिनके जड़े बिढीरे तुम हो तुम से जगरत पाप। विचार में मेरे होर तो कोई गल नहीं, खून ते है सी, खून ते एक ही सी, विचार नहीं मिले। सिख ने ब्लड रिलेशन नहीं बनाना, शब्द गुरु नाल ना बन सकता है, विचार दा रिश्ता है। पातशाह नु बाणी च इस तरह कहने, सिखी सिखिया गुर विचार, सिखी सिखिया गुर विचार। बस एक और पंक्ति मेरे जहन च आ गई है, ला देना, आचारा विचार शरीर, आचारा विचार शरीर। उत्थे शरीर दे रारे नु सिहारी है महाराज, कहिंदे जिस शरीर विच गुरु दी विचार होएगी उत्थे आचार भी होएगा। सत्कार योग मैनू याद आ गया, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन दे जदों संस्कार होया सी ते दास ने इस पंक्ति दी विचार कीती सी, आचारा विचार शरीर। तो गुरु कृपा करे, गुरु बख्शिश करे। रिश्ता गुरु नाल विचार दा, पति पत्नी दा रिश्ता भी विचार दा। जिथे विचार नहीं, बस विचार नहीं मिलते। गुरु ते सिख दा रिश्ता भी विचार दा, आचारा विचार शरीर। बहुत वधिया भाई साहब जी, शरीर दे राज नूं सिहारी है। गुरु नाल विचार ही नहीं मिले तेरा आचार नहीं बन सकता। जिस शरीर विच गुरु दे विचार नहीं, आचार भी नहीं। इस वास्ते मेरे पातशाह कृपा करदे ने दूसरी लाव विच। हां जी चलो, निर्मल पौ पाया हर गुण गाया, हर वेखै राम हदूरे। आख्या निर्मल पौ जिहड़ा हाजरी तो हदूरी विच लै आउंदा, पौ हाजरी तो भी दूर हो जाता। पौ होवे तो बंदा एक जुदा शरीर भी नहीं वेखना चाहता, निर्मल पौ होवे तो शरीर तो थले उतर के मन की विचारधारा विच हो जाता। हाजरी तन दी है, हजूरी मन दी है। वेखै राम हदूरे, हाजरी तन दी है। दुकान खोलनी होवे तन भेजना पैगा, नहीं खुल सकती। जॉब करनी होवे तन भेजना पैगा, गड्डी चलानी होवे तन भेजना पैगा, गड्डी तो बिठाना पैगा तन नू। माफ करना, गुरु को बैठना होवे ते मन जरूर हाजिर रखना पैगा, नहीं तो हाजरी नहीं लगेगी। परमार्थ हजूरी का विषय है, गुरु शब्द हजूरी का विषय है। तेरी मन की हजूरी नहीं तो माइक चा भी बोलना, बंदा कहना यार पता नहीं की बोलिया, मैं तो इतने आई नहीं सा, नहीं सी हाजिर। हजूरी मन दी है, हाजरी तन दी है। तो सतगुर कहते ने ओ पति पत्नी आपस च हजूरी विच रहिंदे ने, पति परदेस है तां वी उहदे कोल, पत्नी परदेस है तां वी कोल ने। विचार करके जे विचार नहीं, जे भै वे पति परदेस है तां वी शक है, जे पत्नी परदेस है तां वी शक है। गुरु ने बड़िया बख्शा करके रहमतां करके दात दित्ती सानू, असी कदर नहीं पाई। निर्मल पौ पाया हर गुण गाया, हर वेखै राम हदूरे। हाजर नाजर वेखदी है। मैं आप जी बेनती करा, ते पौ वाली भावे स्त्री होवे ते भावे पति होवे, अगर चंगा मगरों लत्थी दूर गई, मगरों लत्थी दूर गया, बस इन्ना ही फर्क है। विचार हर वेखै राम हदूरे। आ सतगुरु ने बख्शिश किया, पौ शिंगार तमोल रस भोजन पाओ करे। ये पंक्ति मैं इन्होंने आखी सी कर, कहने मैं आपे ला देंगा जब टाइम आएगा, मैं मेहरबानी। आ शिंगार है स्त्री का, पौ शिंगार तमोल रस भोजन पाओ करे, ये शिंगार है। अगली पंक्ति, मन तन सौंपे कंत को तो नानक भोग करे। जदों सिख इस तरह गुरु नूं सौंप देंदा अपना आप, फिर हर वेले सिख गुरु नाल रंग रलियां मनांदा, हर वेले आनंद विच रहिंदा, हर वेले उसका प्यार माणदा, हर जगह माणदा, हर वेले माणदा। तो मैं होर बेनती करदा, हो सकदा तुहाडे इत्थे वी होवे, जिथे जिथे मुसलमान देश ने उत्थे ज्यादा है। कईआं औरतां नूं आदत हुंदी है पति नूं वश करन वास्ते टूने टकाने करन दे। गुरु ने कोई गल छड्डी नहीं, बिल्कुल नहीं छड्डी। कईआं बंदियां नूं आदत हुंदी है किसी सियाणियां कोलों मंत्रियां कोलों जाणा, वी मंत्र मार कोई जनानी वस रजवे। मेरे पातशाह कहिंदे आ मैं तुहानूं एक ऐसा मंत्र देना, जरूर आपे वस जा जाएगी। गुण कामन कामन करै तो प्यारे को पावे। एक कामन दे नाणे नूं सिहारी है, एक कामन दा नाणा मुक्ता है। पहले कामन दा अर्थ है टूने, दूसरे कामन दा अर्थ है कामनी स्त्री। आख्या गुणा दा टूना कर पति परमात्मा ते, जिज्ञासु रूपी स्त्री परमात्मा वासे च आ जाएगा। संसार विच तू गुणा दा टूना कर, पति वासे च आ जाएगा। गुण कामन कामन परे तो प्यारे को पावे। मेरे पातशाह कह रहे हैं गुरु कृपा करे, गुरु बख्शिश करे। कंत
पति अपने अंदर गुण पैदा करे गुरु दे, स्त्री अपने अंदर गुरु दे गुण पैदा करे, दोवें मिल के परिक्रमा लैणगे गुरु दे काबू कबूल पै जाणगे। दूसरी लाम विचारता रहती है। इस वास्ते मेरे पातशाह कहिंदे निर्मल पौ पाया हर गुण गाया। निर्मल पौ इस तरह हुंदा है, मैं इहनूं कहिंदा हुंदा जिस तरह कमियार घड़ा बणांदा है उत्तों तां इस तरह चोटा मारदा, थल्ले उहने हथ रख्या हुंदा उहदी शेप सवारदा पिया, मारदा नहीं। कदी घड़ा बनाउण वाले नूं वेख लैणा तुसीं, उपरों इस तरह मारदा, थल्ले उहने दूजा हथ रख्या हुंदा उहदी शेप सवार रिहा। गुरु दा डर जिंदगी सवार के रख देगा, संसार दा डर दूरी करके रख देगा। जेडे गुरु तो डरदे ने एक दिन गुरु दे प्यारे बन जांदे ने। तै बिन पाओ ना उपजे, पाओ बिन भगत ना होए तेरी, कह रविदास हर सिख बेनती पैज राखो राजा राम मेरी। गुरु दा डर पाओ बिन पाओ ना उपजे, तै तै तो बगैर नहीं पाओ उतदा बढ़दा, पहला डर ही हुंदा है, गुरु दा डर होएगा। इस वास्ते केवल ते केवल पौ पहला आएगा, फिर वह पै बनेगा तो पै प्यार बन जाएगा। बस साध संगत बिना पाव ने उपजाए, पाव बिन भगत ना होए तेरे, कह रविदास हर स्यो बेनती, एक बेनती हर स्यो पैज राखो राजा राम मेरी, बाबा रविदास कह रहे हैं। इस वास्ते गुरुदेव जी ने बख्शिश की, निर्मल पौ की दूसरी नाम गुंदी है। निर्मल पौ पाया हर गुण गाया, हर वेख है राम हदूरे, उन्होंने हाजर नाजर समझ दिए। मैं आप जी बेनती करा, अज गुरु की कृपा नाल साइंस इस गल नूं मंदी है। तुसी एथे किसे नूं याद करो, अमेरिका बैठा होवे या उहदा फोन आ जाएगा जरूर, बिशक करके वेख लिया जी। तुसी मन तो याद करो किसे नूं, उहदा टेलीफोन जरूर आ जाएगा। मैं अपनी जिंदगी च कहिंदा अज भी वापरिया। मैं आप जी मदद करा, उस वक्त आ जाएगा फोन। सतगुरु जी बख्शिश करते ने इनू बाणी च, याद नाल मेरा आउंदा नहीं, भोजन नहीं पहुंचता है। कूंजा अपने बच्चे दे आउंदियां ने पिछे ते आ जांदियां ने। बाबा कबीर कहिंदे ने चुगै चितारा पी चुगै, चुग चुग चितारा। कबीर चुगै चितारा पी चुगै, चुग चुग चितारे, चेता कर दैसे बचरा कूंज मन माया ममता रे। इन कह देखा राम हदूरे, गुरुदेव कह रहे हैं। ठीक है तो पातशाह जी कह रहे हैं कृपा कर देने। गुरुदेव कह ने निर्मल पौ पाया हर गुण गाया, हर वेख है राम हदूरे हादर नादर। सानू तो गुरुद्वारे आन के नहीं रब दिसदा, बाहर दी गल की है। याद रखना उन्होंने हर थां दिसदा, हर थां दिसदा, हर एक विच दिसदा। जिन्हां नूं दात दिंदा है हर वेले दिसदा है, जिन्हां ते बख्शिश करदा है, ते जेड़ी पत्नी हर वेले हर थां हर वेले अपना पति वेखदी है उहदा जीवन ठीक रहेगा। जेड़ा बंदा हर वेले हर थां अपनी स्त्री देखदा है जीवन ठीक रहेगा। जिथे मेरे पातशाह ने बाहर दी संसार दी गल की है उत्थों लैके अध्यात्म दी गल कीती है, ते रोज दी मेरी तुहाडी जिंदगी चों कीती है। हाँ जी चलो, निर्मल पौ पाया हर गुण गाया, हर वेख है राम हदूरे। हाँ जी, हर आत्म राम पसारिया स्वामी सर्ब रहा पर पूरे। आख्या फिर हुण जेड़ा मेरे विच सारी जगह ते वे, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडा, जो खोजा सो पावा पीपा प्रौणा, परम तत् है सतगुर होए लखा। पता लगा जो मेरे विच है आत्मा उही ते दूजे विच जोत है। उहनूं मेरे सतगुर ने आख्या एक जोत दोए मूर्ति धन फिर कहिया सोए। ज्योत एक है, उन शरीरां ते नहीं जींदे केवल, इस तो अगे निकल चुके ने, शरीरां ते नहीं जींदे हो। क्यों? शरीर ते जेड़ा जिएगा वह भोगी होएगा, जेड़ा शरीर टप के जिएगा जोगी होएगा। सतगुरु तां कह रहे ने एक ज्योत दो मूर्ति, मूर्तां ते शरीर ते दो ने पर ज्योत एक है। विचारधारा एक है, शरीर दो ने, विचारधारा एक हो चुकी है, गुरु की मत वाली हो चुकी है। शरीर दोनों में रहने विचारधारा एक ही है। मेरे पातशाह कह रहे हैं एक ज्योत दो मूर्ति, दिसदे दो ने हैं एक, दिसदे दो ने शरीर करके विचारधारा करके एक ही ने, ये दूजी ला है।
काश किते गुरदेव मेरी तुहाड़ी झोली विच दात पा देन। हर आत्म राम पसारिया स्वामी सर्व रहा भरपूरे, फिर उनकी दृष्टि अपने तक नहीं रहिंदी, शरीर तक, सारी दुनिया विच एक रब वेख देने, सारे विच एक है। सभा कट राम बोला है, रामा बोला है, राम बिना को बोला रे। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। भगत नामदेव जी महाराज कहते हैं जिस तरह हजारा मणकिया अगली बिल लाना बनती भाई साहब जी, सूत एक मन सत सहस जैसे ओत पोत प्रभ सोई। आख्या सूत्र का धागा तो एक मणके सारे बजे ने, एक सूत्र दे विच बजे हुए ने, हजारा मणके एक सूत्र विच परोए हुए ने, एको जोत विच सारे शरीर परोए हुए ने। संसार विच कोई ऐसा शरीर नहीं जिहदे चोरी जोत नहीं। इत्थे पहुंचदी है दूजी ना गुरु दी विचार नाल। मैं आप जी नूं बेनती करदा इत्थे पहुंचदी है, तो मैं ते अपनी गल करदा 36 कु साल तो मैनूं वी हो गए, हुण आनंद कारज होया बड़ा कुछ नहीं आदी नहीं ते पहुंचे इत्थे। मैं आप जी नूं अर्ज़ करां इहनूं पुछो एनिवर्सरियां मना रहे पर नहीं तेरे की है सवाए भोग तो होर की है तेरे पले कादी एनिवर्सरी अगे थोड़ा अंदर गंद भरिया पे होर भर ला कुछ पर नहीं कौन कहे इन्हां नूं गुरु की गल सुन दे ते मतलब ही नहीं ध्यान ही नहीं। तो सतगुरु जी कह रहे ने उत्थे पहुंचते ने सगल बनस्पति सगल दूध मैं किया ऊंच नीच मैं जोत समाणी का